ये है गुलाब जामुन। आइए देखते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैदा लिए, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, और 1 टीस्पून हमने देसी घी लिया है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम थोड़ा सा दूध डालकर इसे गूंद लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें दूध डालना है। अगर ज़्यादा दूध पड़ जाएगा तो ये बहुत स्टिकी हो जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से गूंदें, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध डालें। हमने ये सब अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये सॉफ़्ट होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हमने एकदम सॉफ्ट ही इसको गूंदा है। हमने ये सब अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जब तक हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में हम 1 कप पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप ही शक्कर डालेंगे। इसमें हम 2 इलायची डालेंगे, 1/2 टीस्पून नींबू का रस हम डालेंगे। नींबू का रस हमें थोड़ा ही डालना है, हम सिर्फ इसीलिए डालेंगे ताकि शक्कर हमारी जमे ना नीचे। 1/2 टीस्पून इसमें हम रोज़ वाटर डालेंगे। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसे इतना पकाना है कि शक्कर हमारी अच्छे से गल जाए। चाशनी को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं, हमें बस इतना ही पकाना है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से गोले बनाएंगे। इस तरह से हम पहले तोड़ लेंगे इसको, ऐसे करके उसके बाद में हम इसके गोले बनाएंगे। एक ही साइज़ के हमें रखना है। हमें इस तरह से ऐसे बॉल बना ले रहे हैं, कहीं से भी कोई क्रैक ना रहे, क्योंकि जहाँ से भी क्रैक होंगे वहीं से हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से बनाने हैं। हमें इस तरह से हाथ में ऐसे पहले करना है, उसके बाद में फिर अच्छे से इस तरह से इसको मिलाना है। इस तरह से आप घुमाते रहें तो बहुत अच्छा शेप आ जाता है और बहुत ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। देखिए इस तरह से बन गया है। ये हम सारे इसी तरह से बना लेंगे। हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम ये गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है और चम्मच लगातार हमें चलाते रहना है ताकि गुलाब जामुन पे एक सा कलर आ जाए। देखिए हमारे गुलाब जामुन पे अच्छे से कलर आ रहा है। हमें लेकिन बराबर चम्मच चलाते रहना है। अब सब पे अच्छा से कलर आ गया है। अब हम गुलाब जामुन को बाहर निकाल लेंगे, फिर हम गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी गर्म है। चाशनी में डालने के बाद हमें 2 घंटे के लिए इसे रख देना है ताकि गुलाब जामुन में चाशनी अच्छे से भर जाए। मैं 2 घंटे बाद आपको इसे दिखाऊंगी। गुलाब जामुन को चाशनी में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बने। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये, और कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है। ये देखिए गुलाब जामुन बन के तैयार है।
अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।